ओके ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 अगर बुकलेट है ओपन कर सकते हो, नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4x2। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कोऑर्डिनेट पे, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एक्स, क्योंकि में चल रहा है एक्स में, करो स्टार्ट। एक्स ठीक है, कितने लोगों का आंसर आ गया, देखो इसमें क्या करना है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ऐसे करेंगे ना, तो ई निकाल लेंगे, ई कहां पर आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे बनेगा। और फिर आपको क्योंकि ई कहां निकालना है, इन कोऑर्डिनेट्स पे, तो इसमें वाई और जेड का तो काम ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ किस पे चल रहा है, अलोंग x एक्सिस। तो एंड में जो भी आंसर आएगा उसमें x को क्या पुट करना है, 1। तो यही किया हुआ एग्जैक्टली, तो v पता है, e वेक्टर माइनस dv बाय dx i कैप, v को पुट किया 4x2, सॉल्व किया तो माइनस 8x i कैप, क्योंकि y और z का कोई काम ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेट क्या था जहां पर हमने e निकालना है, x इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट, तो 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 8 i कैप। तो मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें, वाइट क्लियर है, फिर से ये गिवन है, e इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx i कैप, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, v की वैल्यू पुट कर दी 4x2, 4 कांस्टेंट है, x2 के डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस 8x, x को 1 पुट किया आंसर, ठीक है यहां तक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार सॉल्व करें, तो इसमें क्या लगेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, करें ट्राई। पोटेंशियल की वैल्यू इज गिवन बाय वी, गिवन है, क्या निकालना है आपको, निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स निकालनी है, 2 कूलम चार्ज पे क्या फोर्स लगेगी आपको। अगर वी गिवन है, आप सबसे पहले क्या करोगे,
आप इसमें ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0, तो आप v की हेल्प से सबसे पहले क्या निकालोगे, e निकालोगे। e आ गया, चार्ज पता है, f इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से फोर्स आ जाएगी। तो मेन काम क्या है, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ e। तो e कैलकुलेट करने का तरीका, क्योंकि सब कुछ x y z में चल रहा है तो ये तरीका याद है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे माइनस डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी जेड। तो क्योंकि v बहुत बड़ा है तो एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया। पहले मैंने इसे सॉल्व कर लिया, फिर मैंने इसे कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो आप चेक करो, पहला स्टेप मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने इसमें डी वी वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। चेक करो, ये वी की वी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्लियर है? तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए कुछ ओरली काम कर लिया, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। तो जिन टर्म में एक्स नहीं आ रहा, साफ पता है कि उनकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, जीरो। तो इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ दो टर्म्स। तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो सिर्फ ये दो टर्म बचेंगी, इन दो टर्म में माइनस सिक्स, देखो माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ मैं, माइनस सिक्स कॉमन, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, वन। और ऐसे ही डी बाई डी एक्स जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एट कॉमन वाई स्क्वायर कॉमन, क्योंकि एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वाई तो कॉन्स्टेंट है। क्या बचेगा, डी एक्स बाई dx, तो ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बचा, माइनस सिक्स प्लस एट वाई स्क्वायर। तो यहां पे ये करेक्शन है, यहां पर माइनस नहीं, यहां पर प्लस एट वाई स्क्वायर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, डिफरेंशिएशन का क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? यस सर, यस सर। ठीक, अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है, ओरिजिन पे, जहां पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0। तो जहां जहां आपको x y z दिख रहा है, तो y को उठा के 0, तो क्या बचेगा, e इज इक्वल टू माइनस सिक्स आई कैप। तो एक आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग आ गया, क्लियर है, ओरिजिन पे बोला उसने, e ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब x y z कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, क्लियर है यहां तक। अब सेम रिजल्ट किसके लिए लगाया, सेम रिजल्ट लगाया वाई के लिए लगाया, ठीक है? तो सेम रिजल्ट ये रहा, v की वैल्यू को पुट कर दिया। अब जिस टर्म में y आ ही नहीं रहा, ये रहा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। तो हटा दिया इसे, अब क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। अब ये जो टर्म है, इसमें से माइनस एट एक्स तो कॉमन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y है, तो माइनस का तो चलो माइनस बाहर ही रख लिया इस बार। तो जब इसे डिफरेंशिएट किया तो यहां से माइनस एट एक्स तो कॉमन है, तो माइनस एट एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो माइनस एट एक्स, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, टू इंटू वाई, तो क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन एक्स वाई। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन एक्स वाई। क्लियर है यहां तक, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? फिर उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो जीरो है, ये माइनस सिक्सटीन एक्स वाई है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एट कॉमन, डी वाई बाई डी वाई क्या है, वन, वन कर दिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिक्स जेड कॉमन कॉन्स्टेंट है, डी वाई बाई डी वाई वन, इसको तो करना ही नहीं आंसर। तो फिर फाइनली क्या किया, इसके अंदर एक्स वाई जेड को क्या किया, जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे काम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आया, माइनस माइनस प्लस आंसर। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला, वाई के लॉन्ग निकाला, सिमिलरली जेड के लॉन्ग भी निकाला। तो एक्स वाई जेड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक? तो एक्स वाई जेड ये रहा, ये देखो, तो ये रहा आपका जेड, जेड के लॉन्ग भी सेम काम किया, आंसर जीरो आ गया उस केस में, वो अलग बात है। तो नेट ई क्या होगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को पुट किया तो ई वेक्टर फॉर्म में आया, स्केलर फॉर्म में आया। उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, इनके कोफिशेंट्स का स्क्वायर, तो नेट ई की वैल्यू क्या आई, 10 आ गई। हमने फोर्स निकालनी है 2 कूलम के ऊपर, फोर्स क्या होता है, क्यू ई, तो चार्ज कितना है, 2, और ई कितना है, 10, आंसर इज 20।
तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ई जेड जीरो कैसे आया? ये वी लिखा आपने, जेड के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको करना नहीं, इसको करना नहीं, इसको करना नहीं, जेड नहीं आ रहा, इसको किया तो सिक्स वाई कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड इज वन, इसको किया तो माइनस फोर इंटू जेड स्क्वायर की टू जेड, तो माइनस एट जेड, सब कुछ ओरिजिन पे हो रहा है, तो y और z को 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है यहां तक? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे इसको यूज करके आंसर आएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने देखना है, सेकेंड, ओके थर्ड, ये रहा। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, एक रिजल्ट याद करते हैं पहले, क्या अगर ये v और ये x है, y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे x है, और अगर हम कोई भी इसमें ग्राफ प्लॉट करें और उसकी क्या निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप, तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं? dv by dx, है ना, dv by dx इसी स्लोप होगी। अब dv by dx तो देखा लगता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं और माइनस को छोड़ दूं तो इसकी स्लोप आपको क्या देगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में आपको यह बताना है कि पांच रीजन्स हैं, ये पहला ग्राफ है, दूसरा रीजन है, तीसरा रीजन है, चौथा रीजन है और पांचवा रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन्स हैं, तो रीजन नंबर 1 2 3 4 और 5 ये भी है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसमें, देखो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई E1 का बड़ा होगा, E2 का छोटा होगा, E3, E4, E5 किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, आपको ये प्लॉट करना है। मेरे को एक बात क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में V की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, मानते हो? स्लोप कांस्टेंट है, फ्लैट है, स्लोप है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं, तो E क्या होगा? 0। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, V क्या है? कांस्टेंट है। E क्या होता है? माइनस डी वी बाय डी एक्स, और मुझे पता है कि अगर V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज, तो E की वैल्यू क्या आएगी? तो इसका मतलब जहां ग्राफ फ्लैट है ये वाला, तो यहां पे 1 रीजन में, फिर 3 रीजन में और फिर 5 रीजन में E की वैल्यू क्या रहेगी? 0, यानी कि E1, E3 और E5 क्या रहेंगे? सेम। पहला पॉइंट क्लियर है, वैसे तो आंसर आ ही गया यहां से। चलो फिर भी आगे अब डिसाइड करना है 2 और 4 का, जिसकी स्लोप ज्यादा है, स्लोप चढ़ाई ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप, ये स्लोप होती है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, स्लोप ज्यादा है तो उसका ई भी ज्यादा है। तो किसकी स्लोप ज्यादा लग रही है? 4 की, ये ज्यादा स्टीप है और 2 थोड़ा कम है, तो यानी कि E4 इज ग्रेटर देन E2, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन लेना नहीं इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वैसे तो आंसर आ ही गया E1 और ये इस फर्स्ट पार्ट से आंसर आ ही गया, बट अगर सेकंड को भी कंपेयर करना है तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है, कोई डाउट इसमें? नहीं, इतना तो समझदार होगा पूछने वाला, वो आपको कुछ तो डिफरेंशिएट करके देगा।
इतना मतलब पूरे कंट्री लेवल पे इतने लाख बच्चों के साथ वो कर नहीं पाएगा। टेस्टिंग होती है ऐसे तो, पेपर को तीन चार जगह टेस्ट करवाया जाता है, लोग सॉल्व करते हैं उसे घंटों के साथ, घड़ी रख के भी सॉल्व किए जाते हैं और हर क्वेश्चन को किया जाता है। मतलब पेपर ऐसा नहीं कहूँगा, नीट में हो ना, अब तो नीट में तो ऑफलाइन पेपर है तो उसकी तो टेस्टिंग होके आती है, और जो ऑनलाइन वाला है वो तो कंप्यूटर के अंदर टेस्ट होके जाता है। तो ऐसा नहीं होता, वो हर टीम बैठी हुई है, वो अपने आप उनको पता है कि क्या करना है, फिर भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी गारंटी कोई नहीं, चल जाता है। वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इस क्वेश्चन को देखना और कितनों को समझ में आया ये भी बताना।
एक प्रॉपर्टी नहीं बताई कंडक्टर की, क्या अगर कोई भी कंडक्टर है, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कहाँ होता है, बाहर होता है। किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे ना हो, ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो मजा आ गया, वी की वैल्यू हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम, कोई डाउट? तो इधर देखो, तो इस केस में ये कंडक्टर है, वो कह रहा है पी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो कह रहे क्यू पॉइंट पर बताओ वैल्यू वी की क्या होगी, वी की वैल्यू विल बी सेम, तो वी की वैल्यू विल बी सेम, पी का मुकाबला करना है क्यू से। नेक्स्ट सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि अगर रेडियस कम है तो एरिया भी कम है, तो सिग्मा यहां का ज्यादा है, तो यहां ज्यादा चार्ज होगा, बताया था ना, और यहां पर रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो एरिया ज्यादा है, तो सिग्मा कम है, तो सिग्मा कम होगा पी से, कोई डाउट? नेक्स्ट, जो एक प्रॉपर्टी की थी, कोई भी कंडक्टर का ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बोला था सिग्मा इज लोकल, तो सिग्मा यहां पर क्या है, ज्यादा, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है, ज्यादा, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है, कम, क्योंकि सिग्मा यहां पर कम, तो लेस देन ई, कोई डाउट इसमें? तो वी सेम रहेगा, सिग्मा चेंज होगा, ई चेंज होगा, कोई डाउट इसमें? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, सिक्स क्वेश्चन, देखो किए हुए हमने क्लास में, ये भी मैंने करवा दिया हैंड रिटन में। ये सिक्स क्वेश्चन करने से पहले एक जरा पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखो, सपोज करो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ये गिवन है, मान लो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, एंड मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये लो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर ये सरफेस होती और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल, पर ये सरफेस नहीं है, ये तो लाइन है रेड कलर की, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नहीं, इक्वी पोटेंशियल लाइन, तो दीज आर इक्वी पोटेंशियल लाइंस, इक्वी पोटेंशियल लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर। तो आज की बात, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ गिवन है एंड यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक है। दूसरा, यस सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, मान लो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है V1, तो ये भी V1, ये भी V1, यहां पर अगर V2 तो ये भी V2, ये भी V2, यहां पर V3 तो ये भी V3, ये भी V3 और ये भी V3, कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, इस तरफ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो बोलो V1, V2, V3 में से सबसे बड़ा कौन, V1, फिर छोटा कौन, V2, सबसे छोटा कौन, जो सबसे लेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ उसका पोटेंशियल सबसे कम होगा, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो अब इस क्वेश्चन को एक बार अगर ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लाइंस देख रहे हो, लाइंस हैं, पहला पॉइंट इन लाइंस पे, जो पहला पॉइंट है वो कहां पे है, पहला पॉइंट ये रहा B, फिर कहां पर है A, फिर कहां पर है D, फिर कहां पर है C, देख रहे हो? मैंने क्या किया, आपको तो क्वेश्चन में ये लाइंस ड्रॉ करके गिवन है, तो मैंने C में से एक लाइन पास कर ली, मैंने D में से एक लाइन पास कर ली, मैंने B में से लाइन पास कर ली, और मैंने A में से भी लाइन पास कर ली, राइट? तो ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, इक्वी पोटेंशियल लाइंस, राइट? अब देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो वी इस तरफ जाते हुए क्या होगा, कम। तो सबसे पहला या ये वाला पॉइंट सी कॉर्नर पे है, यहां पर वी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम, फिर डी की थोड़ी सी ज्यादा, फिर बी की और ज्यादा, ए की सबसे ज्यादा। तो ठीक है, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी, फिर, तो कैसे चेक करना, समझ में आ रहा है यहां तक? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? तो लाइंस ड्रॉ कर करके हम चेक कर लेंगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम है। ठीक है।